दोस्तों आज हमारे सामने है ब्रेजा 2022 का टॉप मॉडल ZXi प्लस। ये दो वेरिएंट के साथ में आता है, ऑटोमेटिक और इसके साथ में मैनुअल। आप जो ये वीडियो में देख रहे हैं ये मैनुअल रहेगा। आज की वीडियो में कवर करने वाला है इसका एक्सटीरियर, इंटीरियर और इंजन को, और चेक करेंगे टॉप मॉडल में कौन कौन से फीचर मिलने वाले हैं। सामने जो आप LXi और VXi देख रहे हैं इन दोनों की वीडियो चैनल पर अपलोडेड है। अब परचेज चाहिए आप LXi करना, VXi करना या ZXi करना, बट एक बार वीडियो जरूर चेक कर लेना, उससे आपको कंपैरिजन में पता चल जाएगा कि इनमें से कौन सा वेरिएंट आपके लिए वैल्यू फॉर मनी हो सकता है और आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से फुलफिल होता है। अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी की, तो यहाँ पर आपको फ्रंट साइड में टोटली LED सेटअप मिलेगा। चाहे आप टर्न इंडिकेटर देख लीजिए, चाहे आप फॉग लैंप देख लीजिए, चाहे आप हेडलाइट देख लीजिए, चाहे आप DRS देख लीजिए, सब कुछ आपको LED के अंदर मिलने वाला है। सेंटर ग्रिल पर क्रोम का टचअप दिया गया है। नंबर प्लेट के जस्ट ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर आपको कैमरा मिल जाएगा। इसके अंदर आपको 360 कैमरा का ऑप्शन मिलता है। हेडलाइट के अंदर आपको मिलने वाले हैं डबल बैरल LED प्रोजेक्टर लैंप, और इसी के अंदर आपको मिल जाएंगे ट्विन L शेप में DRLs। दोस्तों वैसे प्रोजेक्टर हेडलैम्प तो इसके लोअर मॉडल है LXi और VXi, उसके अंदर भी मिल गए थे, बट यहाँ पर जो है आपको LED मिलने वाला है और वहां पर प्रोजेक्टर लैंप दिए गए थे आपको हेलोजन के साथ में। दोस्तों फ्रंट साइड हमने लगभग कवर कर ली है, अब चलते हैं इसके राइट साइड प्रोफाइल की तरफ और देखते हैं वहां पर हमें क्या क्या चीजें ऐड की गई हैं कंपेयर टू LXi और VXi। सबसे पहले बात कर लें यहां पर टायर की, तो सेम साइज मिलने वाला है 215/60 R16 जो आपको LXi और VXi में मिला था। वहीं पर बात कर ले रिम की, तो यहां पर आपको इस बार डायमंड कट अलॉय व्हील रिम मिलने वाली है। तो यहां पर टायर साइज तो सेम है बट आपको व्हील रिम के अंदर चेंजेस जरूर मिल जाएगा। RVM के अंदर ही आपको टर्न इंडिकेटर मिल जाएगा और ये मिलने वाला है आपको मिडनाइट ब्लैक कलर के अंदर। ZXi प्लस के अंदर आपको दो वेरिएंट मिलते हैं जैसे मैंने आपको बताया है, मैनुअल और ऑटोमेटिक, और उनके अंदर भी आपको दो दो वेरिएंट मिलते हैं, एक तो नॉर्मल और एक ड्यूल टोन के साथ में। ये जो आप गाड़ी देख रहे हैं वो है ड्यूल टोन के साथ में। यहां पर आपको ऊपर की तरफ रूफ पर आप देख रहे हैं मिडनाइट ब्लैक कलर मिलेगा। इसके लगभग आपको एक्स शोरूम पर 15,000 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे इस ड्यूल टोन वेरिएंट के लिए। नीचे की तरफ आपको डोर क्लाइडिंग मिल जाएगी। यहां पर बात करें एक एडिशनल फीचर की, तो आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाएगा, कीलेस एंट्री यहां पर मिलेगी। अब यह है ब्रेजा का टॉप मॉडल, तो यहां पर आपको काफी सारी चीजें मिल जाएंगी जो LXi और VXi में नहीं थी। जैसा आप देख सकते हैं मारुति ने पहली बार सनरूफ दी है, वो आपको इस मॉडल के अंदर मिल जाएगी। सर्टेन सिल्वर में आपको रूफ रेल्स मिल जाएंगी, शार्क फिन एंटीना मिलने वाला है और पूरी रूफ मिल जाएगी मिडनाइट ब्लैक कलर में, जिसके आपने 15,000 रुपए ज्यादा देने हैं। ये है दोस्तों इसका क्वार्टर ग्लास, जिसकी वजह से इसकी लुक काफी इनहेंस हुई है। अब बात कर लें इसकी राइट साइड प्रोफाइल की, तो वो लगभग कवर कर ली है। आप वीडियो में देख लें इसकी जो कंप्लीट राइट साइड प्रोफाइल है वो आपके सामने है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट में लिख देना, उसका रिवर्ट मैं कर दूंगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो कर लीजिएगा। अब चलते हैं पीछे की तरफ, तो स्पॉइलर मिल जाएगा आपको मिडनाइट ब्लैक कलर में, HMTL इसी के ऊपर मिल जाएगी। यहाँ पर जो पीछे का ग्लास है वहाँ पर आपको डिफोगर्स मिल जाएंगे, जो इसके जो लोअर मॉडल थे वहाँ पर अवेलेबल नहीं थे। पीछे की तरफ आपको रियर वाइपर भी मिल जाएगा और यह है इसकी रियर साइड प्रोफाइल। टेल लैंप्स की बात कर लें तो ब्रेक लाइट मिल जाएगी आपको LED के अंदर, वहीं पर आपको टर्न इंडिकेटर और रिवर्स लाइट मिलेगी हेलोजन में। यहां पर आपको सुजुकी और ब्रेजा की 3D ब्रांडिंग मिल जाएगी और इसी के पास में स्मार्ट हाइब्रिड का एम्बलम दिया गया है। बम्पर मिलेगा आपको ड्यूल टोन के साथ में। नीचे की तरफ देखेंगे तो सिल्वर कलर का टचअप मिल जाएगा। सेफ्टी के लिए पीछे की तरफ आपको छोटे छोटे रिफ्लेक्टर मिल जाएंगे। 4 पार्किंग सेंसर मिलने वाले हैं रियर बम्पर पर और 360 कैमरा है, तो पीछे की तरफ भी आपको कैमरा मिल जाएगा। टेल लैंप की डिजाइन मैं आपको बता चुका हूँ बट मेरे को ज्यादा डिफरेंस लगा नहीं है। अगर इसके लोअर मॉडल की बात करें LXi की या फिर ZXi की बात करें तो कोई खास डिफरेंस नहीं है टेल लैंप में। लेफ्ट साइड में मिल जाएगी फ्यूल फिल कैप। अगर कैपेसिटी की बात कर लें तो यहाँ पर आप 48 लीटर फ्यूल भरवा सकते हैं एक बार में। ब्रेकिंग के लिए फ्रंट साइड में डिस्क है और रियर साइड में आपको ड्रम ब्रेक मिल जाएंगे। दोस्तों फ्रंट साइड कवर कर चुके हैं, राइट साइड रियर साइड कवर कर चुके हैं, अब यह है इसकी लेफ्ट साइड प्रोफाइल। अब चलेंगे सीधे अंदर की तरफ और इसका इंटीरियर कवर करेंगे, देखते हैं अंदर इसमें क्या कुछ दिया गया है। तो दोस्तों यह है इसकी डोर ट्रिम, यहाँ पर आपको सॉफ्ट कुशनिंग मिल जाएगी, पावर विंडो का स्विच यहाँ पर मिल जाएगा, बॉटल होल्डर है और स्पीकर मिल जाएगा, और यहाँ पर जो डोर इनसाइड हैंडल है वहाँ पर आपको क्रोम का टचअप मिलेगा। दोस्तों बात करें इसकी सीट्स की, तो यहाँ पर आपको फैब्रिक सीट मिलने वाली है, जबकि इसका जो लोअर मॉडल था VXi वहाँ पर आपको लेदराइट सीटें मिलती थी।
तो ये कुछ कहानी मुझे समझ में नहीं आई। अगर आपको समझ में आई तो कमेंट में मुझे जरूर बता देना। पीछे की तरफ आपको एसी के वेंट्स मिल जाएंगे और इसके नीचे जो है आपको चार्जिंग पोर्ट्स मिल जाएंगे जो LXi और VXi में नहीं मिल रहे थे हमको। यहाँ पर आपको हैंडरेस्ट मिल जाएगा विद ग्लास होल्डर। तो दोस्तों यहाँ तक की कहानी कंप्लीट हो चुकी है। रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आपसे, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, क्योंकि इसी तरह के वीडियोस में लाता रहता हूं आपके लिए। अब चलते हैं पीछे की तरफ और इसका बूट स्पेस देख लेते हैं। रिक्वेस्ट सेंसर से आप इसको ओपन कर सकते हैं पीछे वाले गेट को। तो भाई यहां पर मिल जाएगी पार्सल ट्रे जो हमें LXi और VXi में नहीं मिली थी। इसी के पास में फर्स्ट एड किट और ट्रायंगल रिफ्लेक्टर्स रखे हुए हैं। स्पेयर व्हील की बात करें तो वो मिल जाएगा आपको यहाँ पर, सेम साइज के अंदर आता है, बट स्टील व्हील रिम मिलेगी, एलॉय व्हील रिम नहीं मिलेगी, जो कि जनरली सभी गाड़ियों में आने लग गया। पैसे दे तो टॉप मॉडल के, बट स्पेयर व्हील तो मिलेगा आपको स्टील व्हील रिम के साथ में ही। दोस्तों अगर कलर ऑप्शन की बात करें तो अगर आप ड्यूल टोन में लेना चाहते हैं इस गाड़ी को, तो यहाँ पर जो कलर दिख रहा है आपको सिजलिंग रेड वीडियो में, इस पर आपको मिल जाएगा मिडनाइट ब्लैक जो आप वीडियो में देख रहे हैं। इसके अलावा दो कलर ऑप्शन और मिल जाएंगे, स्पिंडेड सिल्वर विद मिडनाइट ब्लैक, और इसमें आपको एक और मिलेगा ब्रेव खाकी का, उसके अंदर आपको जो रूफ है वो मिलेगी आर्टिक व्हाइट कलर के अंदर। दोस्तों अब आ जाते हैं फ्रंट राइट साइड ट्रिम की तरफ और देखते हैं इसके ऊपर हमें क्या कुछ दिया गया है। स्पीकर आपको यहाँ पर मिल जाएगा, बॉटल होल्डर मिल जाएगा और ट्विटर पे मिल जाएगा। जी हाँ, यहाँ पर आपको चार स्पीकर और दो ट्विटर मिलने वाले हैं। यहाँ पर आपको क्रोम फिनिश मिल जाएगी। अब बात करें कंट्रोल्स की, तो यहाँ पर आपको पावर विंडो के लिए, और आप इसको इलेक्ट्रिकली फोल्ड और अनफोल्ड कर सकते हैं यहाँ पर RVMs को। तो इस जगह पे जितने फीचर्स होने चाहिए थे उतने आपको मिल जाएंगे। इन्हीं के पास में आपको सॉफ्ट कुशनिंग भी मिल जाएगी। अब चलते हैं ड्राइवर सीट के पास में, तो इस सीट को आप हाइट एडजस्ट कर सकते हैं, वहीं पर रिक्लाइन कर सकते हैं। हाइट एडजस्टमेंट आपको मैनुअली करना पड़ेगा, सीट को आगे पीछे करना है तो आप यहां से कर सकते हैं। अब ये मॉडल आता है मैनुअल के साथ में, तो यहाँ पर आपको ABC पेडल मिल जाएंगे। लोकेशन आप देख सकते हैं, इसी के पास में आपको डेड एक्सल मिल जाएगा। वहीं पर आप स्टेयरिंग के पास में देखेंगे तो इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाएगा, और इसी के पास में ट्रैक्शन कंट्रोल, हेडअप डिस्प्ले, 360 कैमरा, इन सभी के कंट्रोल्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। अब आ जाते हैं इसके डैशबोर्ड की तरफ, तो यहाँ पर आपको हार्ड प्लास्टिक मिलने वाला है। AC वेंट्स के पास में देखेंगे तो एक टेक्सचर मिलेगा आपको, और इसी के पास में आपको सिल्वर सर्टेन कलर में स्ट्रिप दी गई है। दोस्तों यह है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जहां पर आपको टेकोमीटर, स्पीडोमीटर, इसका फ्यूल गेज और टेम्परेचर गेज, ये चारों चीज मिलने वाली है एनालॉग में। वहीं पर आपको सेंटर में एक कलर्ड MID स्क्रीन दी गई है। इसके अंदर जो भी जरूरी इन्फॉर्मेशन होती है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। स्टीयरिंग व्हील के राइट साइड में हेडलाइट के कंट्रोल्स है, वहीं पर लेफ्ट साइड में आपको वाइपर के कंट्रोल्स मिल जाएंगे। कॉल वगैरह अटेंड करना है तो वो सारा सब कुछ यहाँ से कंट्रोल हो जाएगा। स्टीयरिंग व्हील के दोनों तरफ भी आपको MID स्क्रीन के और इंफोटेनमेंट के कंट्रोल्स मिलेंगे। यहाँ पर भी आपको क्रोम का टचअप मिल जाएगा। अगर बात करें स्टीयरिंग व्हील एडजस्टमेंट की, तो यहाँ पर आप इसको टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों तरीके से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। टॉप मॉडल होने की वजह से यहाँ पर आप दोनों तरीके से एडजस्टमेंट कर सकते हैं स्टीयरिंग को। वहीं पर अगर हम LXi और VXi की देखें तो वहां पर आपको टेलीस्कोपिक नहीं मिला था, केवल आप टिल्ट एडजस्टमेंट कर सकते थे। अब बात कर लेते हैं इसकी इंफोटेनमेंट की, तो यहाँ पर आपको छोटा मोटा नहीं, पूरा 9 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है। आपको सही बता रहा हूँ, अगर आप इसको फेस टू फेस देखेंगे तो ऐसा लगता है जैसे कोई टेबलेट आपके सामने रख दिया हो। काफी बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम है, कलर डिस्प्ले मिल जाएगी, टच रिस्पॉन्स काफी अच्छा मिल जाएगा, साथ में एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कार प्ले वो आप यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं। यहाँ से आप डेट टाइम, स्टीरियो और इसके साथ में नेविगेशन वगैरह ये सब कुछ आराम से ऑपरेट कर सकते हैं। इसी के जस्ट नीचे आपको AC के वेंट्स और हेजार्ड लाइट के लिए स्विच मिल जाएगा, और इसी के जस्ट नीचे स्विचेस दिए गए हैं ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल के लिए। बता दूं कि आपको LXi के अंदर मैनुअल मिला था, वहीं पर VXi के अंदर आपको ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल वहां से स्टार्ट है। यहां पर आपको 12 वोल्ट का सॉकेट मिलने वाला है। इसी के पास में आपको मिल जाएगा USB पोर्ट, और इसी के पास में आपको वायरलेस चार्जिंग के लिए जगह मिल जाएगी, और यहां पर आपको ट्रांसमिशन मिलने वाला है 5 गियर फॉरवर्ड। यह है इसका हैंड ब्रेक लीवर, यहां पर थोड़ा स्पेस मिल जाएगा, 2 कप होल्डर मिल जाएंगे, और यहां पर हैंडरेस्ट मिल जाएगा जिसके नीचे भी आपको एक अच्छा सा स्पेस मिल जाएगा, और लेदर फिनिश के साथ में ये आता है। अब चलते हैं इसके ग्लो बॉक्स की तरफ, तो यहाँ पर जो चीज है वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट रहेगी कि ये कूल्ड ग्लो बॉक्स है, आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। LXi और VXi में ये चीज नहीं मिली थी हमको। अब ZXi टॉप मॉडल है, तो यहाँ पर आपको ऑटो डिम IRVMs मिल जाएंगे। इसी के पास में आपको रूम लाइट्स मिल जाएगी आगे की तरफ भी, दोनों के अंदर हैलोजन बल्ब है और इसको कुछ इस तरीके से आप ऑपरेट कर सकते हैं। यहाँ से ऑन कर रखा है स्विच को, इस वजह से बंद नहीं हो रही। अगर आप इसको बंद कर देते हैं तो यहाँ से कुछ इस तरीके से आप बंद कर सकते हैं। और ये है सनग्लास होल्डर, अगर आपको सनरूफ ओपन करनी है तो उसके कंट्रोल्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। दोस्तों मारुति सुजुकी की इतनी गाड़ियाँ बिकती हैं, बट आज तक आपको यहाँ पर सनरूफ देखने को नहीं मिली थी, बट ब्रेजा में पहली बार आपको सनरूफ प्रोवाइड करी गई है। इसके लिए आप
आपको जेड एक्स आई प्लस वेरियंट की तरफ जाना पड़ेगा। इससे नीचे के जो मॉडल हैं वहां पर आपको ये नहीं मिलेगी। मैडम वाली साइड में आपको वैनिटी मिरर मिल जाएगा, साथ में लाइट वगैरह भी मिल जाएगी। वहीं पर बात कर ले अपनी साइड में तो भैया यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा, केवल आपको यहाँ पर टिकट होल्डर दिया गया है, क्योंकि मारुति वालों को पता है कि सारे बिल तो आप ही चुकाओगे। एनीवे जोक से पार्ट, दोस्तों ये था आज का वीडियो जेड एक्स आई प्लस के ऊपर। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में मुझे जरूर बता देना। अगर आपकी कोई क्वेरी हो, फिर से बोल रहा हूँ, तो लिख देना, उसका रिवर्ट कर दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करे बिना मत जाना। अगर ऐसी ही वीडियो देखते रहना है आगे भी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट कर लीजिएगा, ताकि इधर से मैं कोई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।